फिर एक बार किड्स कैंप आपके लिए लाया है अप टू 50% छूट की मेगा सेल। अप टू 50% छूट की ये मेगा सेल बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के लिए लगी है, जिसमें महिलाओं के लिए ड्रेस, बुर्का, वेस्टर्न के साथ हर तरह के कपड़े अवेलेबल है। साथ ही बच्चों के लिए शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, कुर्ता और बच्चियों के लिए वेस्टर्न, बॉल गाउन, टॉप, जीन्स अवेलेबल है। इन सभी वेराइटीज में अप टू 50% की मेगा सेल लगी है। फरवरी में शुरू होगी किड्स कैंप की ये अप टू 50% मेगा सेल, तो जल्दी करें और अपने बच्चों समेत पूरे परिवार को खुश करें। सीए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे मुंबई बाग का गुरुवार 6 फरवरी का अपडेट। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको दो खबरें मुंबई बाग से बता रहे हैं। मुंबई के नागपाड़ा क्षेत्र में अरबिया होटल के पास पिछले 26 जनवरी से महिलाओं द्वारा सीए एनपीआर एनआरसी के विरोध में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। 6 फरवरी गुरुवार के दिन यहां पर मिडडे के वरिष्ठ फोटोग्राफर पत्रकार आशीष राजे वहां पहुंचे, तब उनके साथ नागपाड़ा पुलिस ने बदसलूकी की। कैसे बदसलूकी की उसका इस पहली खबर में हम आपको वीडियो बता रहे हैं। थोड़ा पुढे येऊन केलं, खेचलं, पण मी त्यांना म्हणलो खेचू नका तुम्ही, मला तुम्हाला आय कार्ड दाखवतो माझ्याकडे जे आहे। त्याच्यावरनं सगळं वादावादी झाली, त्याच्यावर सगळा गोंधळ झाला। तुम्हाला मारहाणी झाली आणि किती बोलत त्यांनी मारहाण केली? दोन ऑफिसर होते, त्या दोन ऑफिसरने मारले, पण नंतर मॅडम आल्या, क्रिकेटचे सिनियर, त्यांनी ते शॉर्ट आउट केलं। अशी काही विनंती म्हणून आपके साथ एक घटना हुई है, पुलिस ने आपके साथ मारपीट की है, क्या कहना चाहेंगे, कब की घटना और क्यों? मैं और मेरा कलीग सतीश हम लोग वहाँ से आ रहे थे, तो उन्होंने आई कार्ड पूछा तो पीछे क्राउड था, क्राउड की वजह से मैं लेडीज़ लोग थी, इसके लिए मैं थोड़ा आगे आया बैरिकेड के पीछे, तो वो लोग को गुस्सा आया, उन्होंने मेरा बैग खींचा। पहले मेरा बैग क्यों खींच रहे हो, मैं आपको आई कार्ड ही दिखा रहा हूँ। तभी वो लोग ने खींच के मुझे अंदर ले लिया बाहर, और जब भी मेरे साथ सतीश करके था, उसका भी वो लोग ने कैमरा मेरे को मारने के बाद वो सतीश का कैमरा खींचने का उसने कोशिश की, दोनों ऑफिसर ने कागज आपको लगाया, मैडम ने आके मुझे शॉर्ट आउट किया है पूरा। कितने ऑफिसर्स थे और दो ऑफिसर आशीष सर। वहीं मुंबई बाग की दूसरी खबर हम आपको बता रहे हैं। यहाँ प्रदर्शनकारी महिलाओं से मिलने पहुंचे महात्मा गांधी के पौत्र तुषार गांधी। क्या बातचीत की, क्या उन्हें संबोधित किया, वो हम आपको बता रहे हैं। ये मानना बहुत नामुमकिन लगता था कि इस मुल्क की जो माँ बहनें हैं वो इतनी हिम्मत रखेगी कि रास्तों पर निकल के आएगी और मुल्क के बारे में अपनी जो चिंता है, आपकी ताकत और आपके हौसले को मैं दाद देता हूँ, और आपको ये एहसास देना चाहता हूँ कि ये जो आप लड़ रही है वो अपने लिए लड़ रही है और अपने मुल्क से जो प्यार है आपको उसके लिए लड़ रही है। इसलिए इसकी करने की उसका फैसला सिर्फ आपका है, किसी और को ये अधिकार नहीं है कि वो फैसला करे कि कब तक चलेगा। जब तक एक भी आप में से एक भी ये चाहेगी कि ये लड़ाई जारी रहे, तो उसको वो अधिकार होगा कि वो लड़ती रहे, और उसकी आवाज़ सुनने की जिम्मेदारी सियासतियों के ऊपर होगी। कभी अपना हौसला टूटने नहीं देना, याद रहे कि तारीख आपके नाम सोने के लफ्जों से लिखेगी।